वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा 2019 का मेकअप कलेक्शन। और ये बिल्कुल भी रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के कलेक्शन वीडियोस मैंने देखे हैं तो वो बोलते हैं कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बट ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मेरा मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ बिकॉज कि काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, तो इस वजह से मैं भी बना रही हूँ ताकि इन फ्यूचर जब मैं भी ग्रोथ करूँ आप लोगों के सपोर्ट से, तो 2020 में मेरे पास कितना कलेक्शन होता है उसकी कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं इसे एज अ मेमोरी इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। कुछ रिव्यूज़ वीडियो के लिंक्स जो है मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो में कि मेरा मेकअप कलेक्शन मैंने कैसे स्टोर किया हुआ है और हाउ टू ऑर्गेनाइज योर ड्रेसिंग टेबल, उस पर भी मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, तो लिंक आपको मिल जाएगा तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं कि मेरे पास क्या मेकअप है। ड्रॉर, और ये तीन ड्रॉर्स हैं इसमें, तो हम आगे देखेंगे कि इनमें मैंने क्या क्या स्टोर किया है। और दिस इज़ द मिरर, सो ये सारा सामान मेरी ड्रेसिंग पे है। ये कुछ इस तरीके का साइज़ आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा ड्रेसिंग टेबल नहीं है। और यहाँ एक मैंने बटरफ्लाई लगा रखी है जो कि मैंने बनाई थी आइसक्रीम की स्टिक से। मैंने अपने कांच को कुछ इस तरीके से सेट करवाया है। इसके ऊपर आप लाइटिंग भी लगा सकते हैं अगर आप ऐसे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो ड्रेसिंग टेबल। सो ये कुछ इस तरीके से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ है। इसे मैं बहुत ही जल्दी रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर मैं केवल एक बास्केट रखूँगी जिससे कि ये थोड़ा कम स्पेस और ले, बिकॉज़ कि यहाँ पे बहुत डस्ट ऑफ हो जाता है, बहुत धूल हो जाती है इस पर, इसलिए इसे मैं हटा दूँगी। ये मैंने DIY किया था, यू कैन सी ये पेपर अब निकल रहा है तो ये ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट इसको 1 ईयर हो गया है बनाए हुए, तो पेपर का ही बना हुआ है ये कार्डबोर्ड बॉक्स का। सो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है अपना सिंगल हेयर ऑयल, तो मैं यही वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स के लिए, तो मैंने इसे यहीं रखा हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी बार लगाती हूँ इसे एक वीक में। और ये है, तो ये मैंने अपने आईलैश एप्लीकेटर रखा हुआ है, ये एक प्लकर है, और ये मेरा क्लिंजिंग मिल्क है, ये है बाय द पैरिस ब्यूटी, यू कैन सी द बहुत ही यूज बॉटल है, तो मैं नाइट में हमेशा क्लिंजिंग करके ही सोती हूँ, तो ये क्लिंजिंग है। और ये एक वेगा का ब्रश है जो कि मुझे चेंज करवाना है बिकॉज कि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ही एडियस की रेड सेक्सी रेड शेड है इसमें मेरा। सो ये मेरी रॉल्स में नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, इस वजह से रॉल में नहीं आ रही थी इसलिए मुझे इसको बाहर रखना पड़ा। यहाँ मैंने मेरे कॉम्ब्स रखे हुए हैं, यहाँ मेरा सिंगल बॉडी लोशन है बिकॉज कि मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो बॉडी लोशन के लिए मैंने न्यू ट्राई किया है, ये VLCC का नेचुरल साइंस का आमंड हनी बॉडी लोशन, तो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही स्मूदनिंग प्रोवाइड करता है, तो ये मैंने न्यू ट्राई किया है। इसके पहले मैं वैसलीन का यूज़ करती थी। यहाँ पे मैंने 2 लाइनर रखे हुए हैं, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है तो मैं ये मालियो का लाइनर स्केच लाइनर यूज़ करती हूँ। ये 2 जुड्डा स्टिक है, ये एक बॉटल है जो कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसे अपनी ड्रेसिंग पे रखा हुआ है। ये सिंगल एक कॉम्पैक रखा हुआ है जो कि मेरा फेवरेट कॉम्पैक है, यू कैन सी मैंने इसे कितना फिनिश कर दिया है, वेट अ मिनट, सो यू कैन सी काफ़ी हद तक इसे मैं फिनिश कर चुकी हूँ बिकॉज कि बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करता है और सन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाना चाह रहे हो, केवल इसी से फेस सेट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, रिव्यू बना हुआ है, लिंक नीचे मिल जाएगा। ये सिंगल मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ये है लाइफ बॉय का, और आप चाहें तो कोई भी सैनिटाइज इससे यूज़ कर सकते हैं मेकअप को मेकअप करने के पहले। ये एक और लाइनर रखा हुआ है जो कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए कहीं जाना है तो मैं इससे एक और की का लाइनर यूज़ करती हूँ। ये 2 मेरे फेवरेट शेड्स हैं लिपस्टिक में, एक है स्टील पैरिस का शेड है, तो इसका तो नंबर मिट चुका है, मुझे याद नहीं है। और ये है NYN की वाइन लिपस्टिक, पिंक शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है, यू कैन सी। तो ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, बस इतना से ही प्रोडक्ट बचा हुआ है। सो बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है ये, सो इसमें मेरा शेड है 130। तो ये सारी चीज़ यहाँ रखी है, कुछ क्लचर्स रखे हुए हैं, ये मेरा हेयर सिरम है, सिंगल लाइन लिप बाम है, यहाँ पे मेरे इयररिंग्स रखे हुए हैं जो कि मैं ड्रॉज में डाल देती हूँ बिकॉज कि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन 2-3 दिन के लिए, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और यहाँ मैंने मेरी वॉच रखी है, कीचेन रखा हुआ बिकॉज कि मैंने मेरा बैग चेंज किया था।
ब्रशेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने सारे ब्रशेस, इसको ड्रॉज में रखती हूँ बट डेली यूजेस की वजह से मुझे बार बार बाहर निकालना पड़ता है इसलिए मैंने अब इसे बाहर ही निकाल दिया है। सो ये सारे मेरे आई मेकअप ब्रशेज हैं, ये रिसेंटली ही मैंने लिया था, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, बहुत ही अच्छा ब्रश लगा मुझे। ये है बाय कॉल ब्यूटी प्लानेट का, यू कैन सी ये ब्यूटी प्लानेट का है 007 और ब्लेंडिंग ब्रश है ये, इसलिए क्योंकि ब्लेंडिंग सारे आई मेकअप ब्रशेज यहाँ हैं और फेस पे एक मास्क लगाने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ तो ये भी यहीं पे रखा हुआ है मैंने। ये है मेरे सारे आई मेकअप ब्रशेज, तो ये एंगल ब्रश है आईब्रो को के लिए है और ये इस तरीके के सारे ब्रशेस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, स्पंज छोटे वाले। तो ये नेकेड 3 का पूरा 12 का सेट है मेरे पास। एक ख़राब हो चुका है फाउंडेशन ब्रश तो ये वाले ब्रशेज हैं, ये वाले स्टील नहीं, ये है स्किन प्लस के ये ब्रशेज है, तो ये भी 10 का सेट है। तो 5 आई मेकअप ब्रशेज आए थे, 5 फेस ब्रशेज आए थे, तो ये वाले जो ब्रशेज हैं ये वाले ये स्किन प्लस के हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, बहुत ही प्यारी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ऑलमोस्ट इसे मैं 6 to 7 months से यूज़ कर रही हूँ और मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँ मैंने जहाँ से फ्लिपकार्ट से बाई किया था इसे। और यहाँ पर एक ये वाला रखा हुआ है ओवल ब्रश जिसे बोलते हैं, ये ओवल ब्रश है, ये है हुडा का, ये हुडा का ब्रश है, ये एक ब्रश है। तो ये कुछ लोकल ब्रांड्स के भी हैं, ये मेरा फेवरेट है मेकअप लुक्स का, नहीं सॉरी मेकअप टूल्स है, इसका नाम मिट चुका है, मेकअप टूल्स का एक ब्रश है, बहुत ही प्यारा पाउडर ब्रश है। एक ही लोकल ब्रांड का पाउडर ब्रश है जो कि थोड़ा थिक है बट सेट हो जाता है इससे भी फेस। तो कुछ इस तरह के छोटे ब्रशेस भी रखे हुए हैं फेस सिंगल। तो ये तो मेरे डेली यूजेस के ब्रश है, इसके अलावा भी मेरे पास दूसरे सेट्स है जो मैंने अंदर की साइड रखे हुए हैं वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे। दिस इज़ म्यासा की बास्केट, तो इस बास्केट में मैंने रखे हुए हैं अपने डेली की क्रीम, तो ये मॉर्निंग में जो यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये एज अ नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, दोनों निविया की है। ये निविया की एलो हाइड्रेट क्रीम है और ये है निविया की क्रीम जो कि ऑयल बेस्ड है, थोड़ी ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट क्रीम है, ये विंटर के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, तो आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन के लिए अभी भी सन से प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो मैं यूज़ करती हूँ ये लोटस हर्बल का सॉफ्ट सन ब्लॉकेज क्रीम, बहुत ही अच्छा क्रीम है, बहुत कवरेज भी देता है, तो आपको इसको लगाने के बाद कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये दो क्रीम है जो मैंने ट्राई की थी, ये दो डियो हैं, ये मेरा डियो है, ये मेरे ब्रदर का डियो, ये निविया डिओड्रेंट रोल ऑन है, ये मेरा DIY है हेयर ऑयल सॉरी फेस ऑयल जो कि फेस मास्क को रिमूव करने के लिए, अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे ब्रदर का क्रीम है। सो ये सारी चीज़ें मेरी ड्रेसिंग के ऊपर रखी हुई है, चलते हैं कि ड्रेसिंग के अंदर क्या रखा हुआ है। दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रॉर और ये सारी चीज़ें रखी हुई है फर्स्ट ड्रॉर में। तो यहाँ मेरे फाउंडेशंस है, तो ये मैक का है, एसेंस मालियो मीनाओ, ये ब्लू हेवन का है, ये NYBA का है, ये इसमें मेरे सारे ऐसे क्रीम्स हैं जो मुझे कवरेज देते हैं। तो इसमें मेरे सारे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये ओलिविया की पेन स्टिक रखी हुई है, ओलिविया का पेनकेक रखा हुआ है, ये लैक्मे की सनस्क्रीन है, ये जॉय की है, ये पोन्स की है, ये किस ब्यूटी की बीबी क्रीम है सॉरी ये सीसी क्रीम है किस ब्यूटी की जो मैंने बहुत पहले ली थी और ये रिसेंटली ही मैंने ली है किस ब्यूटी की एलोवेरा वाली बीबी क्रीम। ये मालियो का बीबी क्रीम फाउंडेशन है, ये लोटस का सनस्क्रीम है, ये लैक्मे का फाउंडेशन है, ये NYBA के बीबी क्रीम सीसी क्रीम्स है, ये मेबलिन का है। और इधर मेरी रखी हुई हैं सारी कलर्ड काजल पेंसिल्स आईब्रो पेंसिल, तो ये सारे मेरे काजल्स हैं, ये वाइट काजल है, ये ब्लू हेवन का काजल है, ये सारे मेरे काजल है। दिस इज़ माय आईब्रो पेंसिल, तो यहाँ पे है फैशन कलर की ग्लैम 21 की और ये है ड्राइंग आईब्रो पेंसिल, तो ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाई थी, ये मीनाओ की है, ये ADS की है, इसमें मिस क्लेयर की भी है, दिस इज़ द मिस क्लेयर आई थिंक, यस दिस इज़ द मिस क्लेयर। ये लिप क्रेयॉन्स हैं या ये कलर्ड आई काजल्स हैं जो कि ग्लैम 21 के हैं, इसमें वाइट पर्पल्स आ रही हैं, ये है मेरी लिप पेंसिल्स, तो ये अभी आधी ही हैं, इधर उधर रखी हुई हैं सब। और अभी 12 पेंसिल आपको मैंने जो दिखाई है ड्रेसिंग पे वो है, तो ये फर्स्ट बास्केट है, ये है सेकंड बास्केट। तो यहाँ पे रखे हैं मेरे सारे मेकअप सेटिंग स्प्रे, फेस वॉश, मेकअप रिमूवर, यस तो ये मेरा फेस वॉश है, ये मेरा फेस वॉश है, ये मेरा मेकअप रिमूवर है मालियो का, ये पोन्स का न्यू मेकअप रिमूवर मैंने लिया है, ये गार्नियर का, तो ये तीन ही मेकअप रिमूवर है मेरे पास। ये सारे मेरे प्राइमर है, इनसाइड मैक, मेबलिन, किस ब्यूटी, ये है ADS, NYBA, SFR, ये पोन्स का फेस वॉश है, ये ब्लू हेवन का
प्राइमर है, लैक्मे का फेस वॉश है, ये हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ईडीएस का मेकअप सेटिंग स्प्रे, किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये, और ये है एनवाईबी का, ये ब्लू हेवन का, ये सिंगल मिस्ट टोनर मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे जब भी लगे तो मैं यहीं से ले लूँ। तो और ये है एक और बास्केट, ये आपको लंबी बास्केट दिख रही है, इसमें मेरे सारे कलर्ड आईलाइनर, ग्लिटर आईलाइनर, स्केच आईलाइनर ये सारे हैं। सो ये रोमांटिक ब्यूटी का है, ये ब्लू हेवन का है, दिस इज़ द म्यूज़िक फ्लावर का, ये जेल आईलाइनर है न्यू गर्ल का, ये फेसिस कैनेडा का बहुत वाटरप्रूफ लाइनर है, ये रिसेंटली ही मैंने मंगाया था, ये यांकिना का है, और ये स्टे कॉर्की का है, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 30 to 20 ब्रांड्स के मेरे पास लाइनर है। मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था बट वो वीडियो भी इतना बुराई नहीं थी। ये ब्लू है, उनके मेरे पास 3-4 लाइनर है, एक ये वाला है जो कि शिमर वाला है, और एक ये सिंपल वाला है, इसी में ये वाला है ब्लू कलर के मेरे पास 3-4 लाइनर है, ये हाफ एंड हाफ का ब्लू लाइनर है, ये मैट का लाइनर है, ये बिवॉन का लाइनर है, ये मेबलिन कलोसल लाइनर है, ये लैक्मे का है, ये मिक्स हेवन का है, ये ग्लिटर इस तरह के छोटे वाले लाइनर भी हैं, ये कलर्ड आई लाइनर है, ये सिल्वर ब्राउन, ये शिमरी है। तो ये वाले जो हैं ये है द फैशन फैक्ट्री के, ये द फैशन फैक्ट्री के कलर्ड आई लाइनर है। नेक्स्ट एक ये वाली बास्केट है, तो ये है सारे लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट, तो ये मेबलिन का ब्लू हेवन, दिस इज़ द मैक ब्लू हेवन, लैक्मे एसेंस NYB, ये NYB का है, ये HR का है, अगेन दिस इज़ द HR, और ये किसी लोकल ब्रांड का पूरा किट वाला था। ये है मीनाओ का लूज पाउडर, ये है वाइट टोन स्पिन्स बीबी क्रीम बीबी ये है पाउडर है ये, और ये ADS का लूज पाउडर है, ये लैक्मे का लूज पाउडर है, ये सिंगल मिरर है यहाँ पर। नेक्स्ट है ये सारी लिपस्टिक, सो इसमें कुछ मेरी फेवरेट है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है एक लैक्मे की मेरी फेवरेट लिपस्टिक, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये SFR की है, ये माल्यो की है, ऑलमोस्ट ये भी कुछ 22-30 है, तो ये भी ये कुछ स्टील पैरिस की है, ये मेबलिन की है, माल्यो की है, ये बी ब्लश की है, ये NYB की है, ये डार्लिंग इजाबेला की है, ये एसेंस की है, ये ग्लैम 21 की है, ये इनसाइड की है, ये रेड शेड है रेड कार्पेट, इसका शेड है रेड कार्पेट। तो रेड कलर की ऑलमोस्ट मेरे पास लिपस्टिक्स भी हैं, मैं जल्दी शेयर करूँगी। ये है वेड एंड वाइट की कैचुट लिपस्टिक्स, ये मीना मिक्किस ब्यूटी की है, ये मीनाओ की है, ये ब्लू हेवन की है, ये हुडा की है, ये वाली भी हुडा की है, ये मैट लुक की है, ये ADS की है, ये भी ADS की है, ADS की मेरी बहुत ही फेवरेट वाली लिपस्टिक्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे रखे हैं सारे आई शेडोज, तो ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो है, मास्क का है, माल्यो का है, ये SFR का है, दिस इज़ द ऑल्सो, तो ये SFR के हैं दोनों, ये स्यूस ब्यूटी का, ये SFR, ये वाओ का रेड एंड वाइट SFR लूशिमस, ये ADS का। यहाँ पे मैंने रखे हैं आई ग्लू, तो ये मैंने रिसेंटली लिया है, ये आईलैश कलर और ग्लू रखे हैं, मेरे आईलैशेज रखी हैं। यहाँ पे मेरे सारे रखे हैं मस्करास, तो लैक्मे के मस्करा है मेरे पास दो, लैक्मे के दो मस्करा है, मैक के दो मस्करा है मेरे पास, मालो का एक है, मेबलिन के दो है, ये वाला भी मेबलिन का है, दिस इज़ ऑल्सो मेबलिन, दिस इज़ द एसेंस मीनाओ, ये ब्लू हेवन, और ये है वाला मालो का, इसमें दो छोटे वाले भी मस्करा है मेरे, तो ये एक है बाय द कलर गर्ल और ये है ब्लू हेवन का छोटा वाला 70 rupees का। तो ये थी मेरी फर्स्ट बास्केट कैन ड्रॉर यू कैन सी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं मेरी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंजिस का बॉक्स, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये नायका का बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स जो मैंने मंगाया था एक बार पार्सल, उसमें मुझे आए थे दो बॉक्सेस, तो एक ये है एक बड़ा वाला है वो अभी रखा हुआ है। ये है मैक के ब्रशेस का सेट, 24 ब्रशेस का सेट है जो मैंने मंगाया था अमेजोन से। एक ये वेट वाइप्स का पैकेट रखा हुआ है, ये अभी ड्रॉल ऑलमोस्ट फिनिश मतलब खाली है, बिकॉज की कुछ प्रोडक्ट्स अभी मैंने नहीं रखे हुए हैं इसमें, तो जब मेरा कलेक्शन बढ़ जाएगा तो ये वाली ड्रॉर भी फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा ही है, तो इसमें मेरे रखे हुए हैं सारे फेस सीरम, ये है गुड वाइब्स का अंडर आइज फेस सीरम, ये है रोज़ हिप, ये है NYB, ये है ऑक्सीग्लो, ये एल्स गुडनेस का है, और ये फसाली का है। ये मेरी फेवरेट वाली लिपस्टिक्स है, तो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ ये एलेटीन के, इसमें मेरे 5 शेड्स रखे हुए हैं,
वेड एंड वाइट की कैचवुड लिपस्टिक है जो कि मेरी फेवरेट है, तो ये वाली लिपस्टिक्स मैं ऑफिस में वेयर करना पसंद करती हूँ इस वजह से। तो ये मैक की एक लिपस्टिक है, इसमें मैक की एक और ऊपर भी लिपस्टिक थी, वो भी काफ़ी प्यारा शेड है, बट वो मैं आपको बताना भूल गई। तो ये है एक HR की, ये भी मेरा फेवरेट शेड है, ये मीनाओ की। तो मुझे पिंक एंड बर्गंडी शेड लगाना पसंद है डेली यूज में। तो ये सारी लिपस्टिक यहाँ पे, ये सारी ऑलमोस्ट पिंक टिंटेड है। ये एक लैक्मे की इनरिच मैट लिपस्टिक है, ये भी बहुत प्यारा शेड है। इसका शेड है PM16। तो लिंक अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो आते हैं इधर वाले साइड पे। तो इधर मेरे रखे हैं सारे हाइलाइटर। ये हाइलाइटर है, तो ये फर्स्ट है सिस ब्यूटी का ग्लैम, मतलब ये है कलर गर्ल का। ये है हुडा का जो कि मुझसे टूट गया था, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था सिवाना का, बट उन्होंने मुझे भेजा था हुडा ब्यूटी का। नेक्स्ट ये है मालियो का, ये है एसएफआर का, दिस इज़ द ब्लू हेवन डायमंड ब्लश ऑन, इसका कांच टूट गया है मुझसे। ये है किस ब्यूटी का हाइलाइटर, ये बहुत प्यारा हाइलाइटर है, अल्ट्रा अफोर्डेबल भी है। ये कुछ लूज शिमर्स हाइलाइटर्स हैं जो मैंने अंडर 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ के मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए थे उसके लिए मैंने लिया था। ये है मेरे सारे ब्लशेस। तो ये है मिस रोज़ का ब्लशर प्लस कंटोर, ये वाला। सो ये है, ये SFR के दो ब्लशेस हैं। ये है मेरा क्लैम 21 का, ये मालियो का है, ये मैक का है, ये मैक का मेरा फेवरेट वाला है, ये ADS का है, ये ब्लू हेवन का है, ये है मार्स का, ये भी मेरा फेवरेट है, ये मैंने काफ़ी वीडियो में शेयर किया आपके संग। तो ये है मेरी कंसीलर। सो आप देख सकते हो ये ओवरलोड हो रही है बिकॉज की कंसीलर मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, मैं कंसीलर पर ही मेकअप कर लेती हूँ। तो ये रिसेंटली मैंने लिया था, ये है हाफ एन हाफ का, ये डार्लिंग इज़ाबेला का है, ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, सॉरी मेबलिन का कंसीलर है। तो कुछ कंसीलर मैं अभी साइड में रख देती हूँ ताकि मैं आपको सारे कंसीलर बता सकूँ। ये वेड एंड वाइट का है, ये सिस ब्यूटी का है, ये मार्लियो का है, इसमें कुछ कलर कैरेक्टर कंटोर्स भी रखे हुए हैं। तो ये मीनाओ का है, मीनाओ के मेरे पास दो है, ये वाला एक और है, ये दो शेड है 05 और 04। और ये है ADS का, ये NYBA का कंटोर है, ये कंटोर है। ये दो कंसीलर्स है, ये वाला एक कंसीलर है, एक ये वाला कंसीलर है। तो ये मेरे सारे कंसीलर्स है। ये है कैमियन का कंसीलर, ये हुडा ब्यूटी का मेरा फेवरेट है, ये किस ब्यूटी का कंसीलर कंटोर पैलेट है, ये पॉफिल का है। दिस इज़ माय ऑल मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये सारे मॉइस्चराइजर्स हैं। तो ये एक नाइट क्रीम जैसे के लिए आप यूज़ कर सकते हो बोरोलिन, एक ये बोरोलिन है, एक ये लैक्मे का पीच मिल्क है, ये निव्या का सॉफ्ट क्रीम है, एक ये वाला निव्या का मेरा फेवरेट सॉफ्ट क्रीम है। दिस इज़ द जॉय प्रीटी प्रिया प्रीटी 24, ये पोन्स का है एक और, ये पोन्स का है, ये लैक्मे का पीच मिल्क है, ये गुड वाइब्स के दो मुझे फ्री प्रोडक्ट्स मिले थे। ये है हनी, हनी का जेल है एक, और एक है ये एज डिफाइंडिंग फेस क्रीम, ये बैग में कैरी करने के लिए मैं बॉडी लोशन रखती हूँ, और ये एक और बोरोलिन है। ये मेरे सारे सिरम्स के बैकअप है, ये डर्माडॉक का है, तो ये अभी इसी में रखा हुआ है बिकॉज की मैंने इसका रिव्यू बनाया था। ये मेरा गुड वाइब्स का है बैकअप है, ये अंडर आई सिरम है मेरा, ये NYBA का। तो ये चार बैकअप्स है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये NYBA सॉरी मेबलिन का एलिश कलर है, यहाँ पे सिंगल एक मिरर रखा हुआ है ये वाला, तो ये वीडियो में लगता है। और ये एक ब्लेंडर मैंने लिया था रिसेंटली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा सेम ब्रांड का लेना हो तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि इसका नाम मुझे याद ही नहीं रहता। ये मेरे सारे लिप बाम हैं। तो ये है लैक्मे का मैट लुक, निव्या, वैसलीन, हिमालय, मतलब हर ब्रांड के हैं, लोकल ब्रांड्स के। ये हिमालय का है, ये ब्लू हेवन का है, ये ऐसे ही कौन सा पिंक टिंटेड है, और ये हाफ एंड हाफ का है, ये भी एक लिप बाम है, तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सो ये सारे मेरे पास लिप बाम है। ये बायोवे का है स्ट्रॉबेरी लिप बाम, ये एक लिपस्टिक टिंट पर्पल टिंट का है बीबी लिप्स, तो एक ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉअर की तरफ। लास्ट ड्रॉअर, और ये सबसे बड़ी ड्रॉअर है इस पूरी वैनिटी की। तो यहाँ मैंने एक रखी है बास्केट, तो इसमें मैं रखा है मेरा फेशियल किट, ये है VLCC का, ऑलरेडी 2 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, एक बार और यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी मुल्तानी मिट्टी है, ये एक पॉट है जिसमें मैं अपने सारे फेस मास्क बनाती हूँ। ये है एवर यूथ का
प्योर एंड लाइटनिंग टैन रिमूविंग स्क्रब। सो ये स्क्रब है, इसी का फेस पैक भी आता है, वो भी है मेरे पास, यहीं पे ही है, मैं बता दूंगी अभी आपको। ये दोनों मेरे स्क्रब्स हैं, अल्स का और गुड वाइब्स का लिप स्क्रब है। ये भी दोनों मेरे स्क्रब्स हैं, ये गुड वाइब्स का है, ये अल्स का है। ये तीनों मेरे फेस मास्क हैं, ब्राइटनिंग वाइन और अल्स गुडनेस का है। ये दोनों मेरे फेस जेल्स हैं, कुकुम्बर एंड नीम एंड तुलसी। पीछे के साइड ये मेरी रेजर्स रखी हुई हैं, ये नायका का शीट मास्क है, इनिस्ट्री का, ये है गुड वाइब्स का, ये तीनों गार्नियर के रिसेंटली मैंने लिए हैं, अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। तो ये मेरा स्पंज है जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन केयर करते टाइम। ये है लुसिमा का हेयर स्पा। सो ये ऑलरेडी, ये अभी मैंने दो तीन दिन पहले यूज़ किया था, इस वजह से ये यहाँ आगे रखा हुआ है, अदरवाइज़ मैं इसको इधर पीछे रखती हूँ। इधर मेरे सारे परफ्यूम डियोज रखे हैं। तो ये है मैग्नेट का अरोमा मैग्नेट, ये है ब्लू लेडी का जो कि मेरा फेवरेट है, ये मेरा थर्ड बॉटल है। इंगेज का है, ये मेरा सेकंड बॉटल है। ये निविया का है फ्रेश, और ये मेरे दो नेल रिमूवर है। ये स्वीट हार्ट का है जो कि मेरा फेवरेट है, ये मेरी फोर्थ से फिफ्थ बॉटल है आई थिंक। और इधर मेरे नेल एक्सटेंशंस रखे हुए हैं जो कि टेम्प्रेरी वाले हैं, मैंने एक वीडियो में यूज़ भी किए थे, ये उस वक्त का है। और ये एक और मेरा ब्रश का सेट है, ये है हेलो क्यूटी का। तो इसमें 7 ब्रशेज मुझे मिले थे, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 100 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट मेरा स्किन केयर ये वाला है। तो ये है क्लिंजिंग मिल्क है, ये टोनर है, टोनर मेरे पास दो हैं, एक हनी का है, एक कुकुम्बर का है, ये भी एक टोनर है। ये तीन मिस्ट है, ये रोज़ वाटर है, ये रोज़ वाटर है, ये फेस मास्क है, ये स्क्रब है, ये स्क्रब है, ये भी एक टोनर ही है, ये भी एक टोनर ही है। ये एक चारकोल वाला पैक है, और मेरा जो स्क्रब है चारकोल वाला वो मैंने मेरी सिस्टर को अभी दे रखा है यूज़ करने के लिए, सो वो यूज़ कर रही है। सो पीछे आपको दिख रहा होगा ये बैकअप से ऑलमोस्ट, तो सॉरी प्रोडक्ट बाहर आ गया। ये है वैसलीन का बॉडी लोशन, ये निविया का पाउडर है, तो इसे यूज़ करके हम यहीं पे रख देते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते हैं। ये मैंने एक DIY ऑयल बनाया था रिसेंटली हेयर ग्रोथ का, एक वो है, ये वाला मैंने आपके संग शेयर किया हुआ है। ये फेस क्रीम है मेरे ब्रदर की, ये एक ऑयल है बादाम वाला जो कि मैं अपने फेस के लिए कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, बॉडी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये दो एग्स बॉक्सेस रखे हुए हैं मेरे, और ये वैसलीन है एक और जो कि हेयर्स के लिए मैंने एक बार यूज़ किया था, बट वो DIY मेरा नहीं हुआ ठीक। ये है मेरे सारी नेल पेंट्स, तो किसी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मेरी सारी नेल पेंट्स हैं, जो मैट भी है, कुछ गिफ्टेड भी है। तो ये एक नेल पेंट का बॉक्स रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे रखा है मेरे क्लचर्स। तो ज्वेलरी यहाँ पर से मैंने हटा दी है, तो ये मेरे सारे क्लचर्स हैं, क्योंकि आई लव क्लचर्स, आई डोंट यूज़ एनी रबर बैंड इन माय हेयर। सो यहाँ मेरी रखी हुई है सिंगल वैक्स स्ट्रिप्स, जो कि मैं घर में बहुत कम करती हूँ वैक्स। तो दिस इज़ माय मेकअप कलेक्शन। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो। थैंक यू, बाय।